रूसी सेना का यूक्रेन पर एक और बड़ा अटैक। कल कई जगहों पर रूसी सेना ने हमले किए, रशियन मिसाइल आर्म बाइक से हमला किया गया, तो ये बड़ा अटैक हुआ है। रूसी सेना को लगातार रूसी सेना खदेड़ रही है यूक्रेनी सेना को, और ये अटैक इसी की वानगी है। मंजू सेठ मैम, एक सवाल मैं इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि जो फ्रांस का रुख डामाडोल है, जैसा कि सोई सर कह रहे थे, क्या ये फ्रांस जो कि लगातार दोस्ती बढ़ा रहा है चाइना के साथ, चाइना में विजिट भी किया, ये पैतरेबाजी नहीं है? आपको नहीं लगता ये डबल स्टैंडर्ड आ रहा है सामने फ्रांस का? मैं डबल स्टैंडर्ड की बात से फुल्ली सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, वो अपनी जो बात कर रहे हैं, आपने अगर उनका जब वो चाइना गए थे, उन्होंने कहा हमें अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए और यूरोप को अपना फॉलो करना चाहिए वेरियस इश्यूज पे, और हमें हर एक चीज़ में यूएस के साथ के पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रैटेजी, यूरोप की अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो कुछ उनका वो इंडिपेंडेंट अपना माइंडसेट दिखाना चाह रहे हैं कि यूरोप इंडिपेंडेंट थोड़ा सा होना फ्रांस चाहिए। फ्रांस ने नो कर दिया है ये जो यूक्रेन है। हाँ, बिल्कुल। तो ये इस पर मैं कह रही हूँ कि अच्छा, अच्छा, सपोर्ट भी करता रहेगा फिर नो भी कर रहा है, इसलिए एक कमेंट। हाँ, इस बात पे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो, जैसे मैंने कहा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, और जनरल साहब ने भी कहा कि उसमें वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे वो, दे विल नॉट, उसको उकसाएंगे नहीं, बिल्कुल उकसाएंगे नहीं, और अपना अलग। आपको भी लगता है उकसाएंगे नहीं? ये चलता रहेगा कि आप बोल भी रहे हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम आपकी बैकबोन भी हैं, लेकिन आप डायरेक्टली उतरेंगे भी नहीं? जी नहीं, वो नहीं उतरना चाहते। और जहाँ तक डिजिटल मैप्स का सवाल है, वो जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा, वो एयर स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर देश सैटेलाइट इमेजरी मांगते हैं, डिजिटल मैप्स तो एक प्रिसाइज उसके लिए मांगते हैं, वो सैटेलाइट इमेजरी मांगते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यूक्रेन बेलारूस को नहीं अटैक करेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि रूस ने कहा था वो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बेलारूस में डालेंगे, और यही नहीं, उनके जो कई सेना की टुकड़ियां हैं वो अभी तक बेलारूस में मौजूद हैं, और उनके स्पेशल फोर्सेस भी बेलारूस में मौजूद हैं। तो ये ऐसे अटैक करना, यानी कि भड़काना और एक्सपैंड करना जिसे कहते हैं, हथियार देते रहेंगे, लेकिन अगर आप कहिएगा कि सीधे युद्ध में उतर जाओ तो उसके लिए हम तैयार नहीं है। ये फ्रांस का अपना रुख है।